सो गाइस, शाम के 6 बज गए हैं और मैं एक्सरसाइज के लिए तैयार हूं। आज न्यू एक्सरसाइज ब्लॉग करेंगे आपके साथ। मैं मम्मी के साथ लूँगा और मम्मी के साथ आज एक्सरसाइज ब्लॉग करेंगे दोबारा से। मम्मी रेडी हो रहे हैं और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। काइना इस टाइम ब्रश कर रही है। तो ब्लॉग करेंगे और एक सिंपल और एक नया टॉपिक बताएंगे। सिंपल दो एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे जिससे आप इजीली घर बैठ के कर पाएं। तो थोड़ी देर देखते हैं, मम्मी आ जाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो उतनी देर हम बाहर। यस, पहले मेरा ब्लॉग बना रहा। आपका ब्लॉग भी बन जाएगा बेटा। तो फाइनली आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी कि मानसून सीज़न में जिस एरिया में थोड़ा स्निग्ध वाला मौसम है, जहाँ पे थोड़ा सा क्या कफ की जो है प्रवृत्ति ज़्यादा है, और वहाँ में वहाँ आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज थोड़ी कम करनी है। लेकिन करनी है, करनी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी कम करनी है। इस सीज़न में ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने आपको वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज थोड़ा सा वार्म अप करेंगे पहले, उसके बाद आपको दो एक्सरसाइज करवाएंगे। जो कि मैं पहले भी आगे भी बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट जी। मम्मी रेडी हो व्लॉग के लिए? तो आज एक डिफरेंट व्लॉग बताएं, फिर अलग एक एक्सरसाइज बताएं। पहले वार्म अप करके फिर एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है? एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना चाहिए कि नहीं? कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है बता दो सभी को। एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह की कोई डिस्पलेशन हो सकती है, इसीलिए बॉडी को वार्म करना ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों, हम सारे रेडी हैं एक्सरसाइज व्लॉग करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड शुगर नहीं है, तो उसको कैसे मेंटेन रखा जाए। अगर किसी को है तो वो कैसे एक्सरसाइज से मेंटेन की जाती है। आज का बड़ा डिफरेंट ब्लॉग है और मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है जो डिज़ीज़ जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, मेरा है कि उसी पे ज़्यादा बनाई जाए। तो दोस्तों, डायबिटीज़ जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर तीसरे चौथे बंदे को डायबिटीज़ है। तो आज अगर नहीं है तो कैसे मेंटेन रखनी है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और उसके साथ दो ऐसे क्या वर्कआउट है सिंपल, जिससे हमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों, डायबिटीज़ जो है पूरे हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज सिंपल एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा, वर्कआउट बताऊंगा, पोजेस बताऊंगा, जिससे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल सही रहेगा। और ब्लड में जो है वो जो ग्लूकोज है वो तैरेगा नहीं, आपकी मसल्स में जाएगा, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है। तो आपको डेली एक्सरसाइज हमारे साथ करनी है। तो आज का टॉपिक यही है कि ग्लूकोज लेवल, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए। तो उसके लिए दो सिंपल स्टेप्स बताएंगे। खाने का यही कि आप थोड़ा इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग खाएं। आप क्या है कि सुबह सूरज निकलने से पहले मत खाएं और ढलने के बाद मत खाएं, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। साथ में ये दो एक्सरसाइजेस करनी है। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टू एक्सरसाइजेस, फर्स्ट ये है, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दोस्तों, सिंपल आपने सबसे पहले वर्कआउट करना है। सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेस, आपने अपने आर्म्स और लेग्स को धीरे धीरे हिलाना है। दिस इज द वार्म अप एक्सरसाइज। आपने कम से कम 5 मिनट तक आपने ऐसे ही वार्म अप करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट पोज में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पोज है ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए, एक साइड पे 1 2 3 4, नहीं इधर करो, 1 2, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी साइड 1 2। सो दोस्तों, दिस एक्सरसाइज इज फॉर मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पैंक्रियास ग्लैंड होता है, उस पर पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारे राइट साइड में। तो दिस इज वेरी गुड फॉर द
डायबिटीज, इसको आपने साइड में करके पूरा स्ट्रेच करके और कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन सीधे हो जाना है, बिल्कुल सीधे 10 बार, 10 बार इधर करना है और 10 बार हमने इस साइड करना है, और दिस इज द फर्स्ट वर्कआउट। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अप डाउन। सो दोस्तों ये है सेकंड वर्कआउट जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है। आपने हील्स अप करनी है, 1, 2, 1 टाइम हील्स, 1 टाइम पामर रिजन, 1, 2, इसके 10 रेपिटेशन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों ये था आज का एक्सरसाइज व्लॉग। तो ये 2 सिंपल वर्कआउट आपने करना है, जो कि मैंने फर्स्ट बताया कि 10 बार 10 बार आपने एक साइड पे आपने जो है स्टे करना है, 10 बार दूसरी साइड स्टे करना है, और इसका आपका जो इफेक्ट है पूरा पैंक्रियास ग्लैंड के ऊपर आता है, तो इसमें हमारा पैंक्रियास ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, तो काफ़ी इफेक्टिव है ये डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए। और सेकंड वर्कआउट जो आपने मैंने बताया है पहले, जो अपने अपने फुट हैं उसको अप डाउन 10 रेपिटेशन करने हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द डायबिटीज। तो ये थी आज की वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।